हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टिल लर्निंग। जिसके आप सब जानते हो एसएससी एमटीएस 2019 मोस्ट इंपोर्टेंट जीके के हम 26 पार्ट ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आप पढ़ सकते हैं। और अगर आपको उसकी पीडीएफ चाहिए या फिर वीडियोस की लिंक चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है। हमारा टेलीग्राम का ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, अदरवाइज आप हमारी वेबसाइट पर जा सकते हैं stillearning.in। वहाँ पर जाकर आपको एक पोस्ट मिलेगी एसएससी एमटीएस 2019 मोस्ट इंपोर्टेंट जीके के नाम से, उस पर क्लिक करेंगे तो वहाँ पर आपको सारी पीडीएफ के लिंक मिल जाएंगे, सारी वीडियोज़ के लिंक मिल जाएंगे। और अगर आप आरआरबी एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं तो उसके भी मैंने 10 पार्ट ऑलरेडी अपलोड किए हुए हैं। वहाँ पर आपको सारी पीडीएफ के लिंक और सारी वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे। दोस्तों, आज का पार्ट स्टार्ट करते हैं टाइम वेस्ट करते हुए। आज का ये पार्ट है 27, तो इसके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन 20 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, के शंकर पिलाई वाज एसोसिएटेड विद, जो के शंकर पिलाई है वो किससे बिलोंग करते हैं, वो हैं इंडियन कार्टूनिस्ट। कौन है इंडियन कार्टूनिस्ट है, तो ये क्वेश्चन दोस्तों ये क्वेश्चन काफ़ी पूछे जाएंगे इस बार कि कौन क्या है, कौन कार्टूनिस्ट है, कौन किस स्पोर्ट से बिलोंग करता है, कौन किससे बिलोंग करता है, तो ये जरूर याद कर ले कौन क्या है। नेक्स्ट है विद हुज हेल्प द फिश ब्रीथ्स, जो फिश मछली होती हैं वो किसकी सहायता से सांस लेती हैं, तो वो किसकी सहायता सांस लेती हैं, गिल्स की। किसकी, गिल्स की। हिंदी में बात करें तो गलफड़ा बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, गलफड़ा, जो कि उसके आगे गले के पास होता है वहाँ से सांस लेती हैं वो। नेक्स्ट है नेम ऑफ गंगा रिवर इन बांग्लादेश, जो गंगा नदी है इंडिया में वो अगर बांग्लादेश में अगर जाती है तो उसका नाम क्या होता है, तो उसका नाम होता है पद्मा। क्या नाम होता है, पद्मा। अगर इंडिया में है तो गंगा कहा जाता है, और जैसे वो एंटर करती है बांग्लादेश के अंदर उसका नाम पद्मा हो जाता है। नेक्स्ट है स्क्रिप्ट ऑफ पंजाबी लैंग्वेज, जो पंजाबी लैंग्वेज की स्क्रिप्ट है वो क्या है, लिपि क्या है, जो भाषा की लिपि क्या है पंजाबी भाषा की, तो वो लिपि है गुरुमुखी। नेक्स्ट है विच विटामिन इज प्रोवाइडेड बाय सन रेज, जो सन के द्वारा विटामिन मिलता है वो कौन सा होता है, वो विटामिन डी होता है। उससे ये क्वेश्चन काफ़ी कॉमन है, जो कि सन होती है उसके द्वारा जो विटामिन मिलता है वो विटामिन डी होता है। नेक्स्ट है ब्राइटेस्ट प्लेनेस्ट इन द सोलर सिस्टम, सोलर सिस्टम के अंदर जो हमारा ब्राइटेस्ट प्लेनेस्ट है, जो सबसे ज़्यादा चमकने वाला प्लेनेट है वो कौन सा है सोलर सिस्टम के अंदर, वो है वेनस। कौन सा है, वेनस, शुक्र ग्रह जो कि सबसे ज़्यादा चमकता है। नेक्स्ट है एसआई प्रणीत रिलेटेड टू विच स्पोर्ट, जो एसआई प्रणीत है वो किस स्पोर्ट से बिलोंग करते हैं, वो बिलोंग करते हैं बैडमिंटन से। किससे बिलोंग करते हैं, बैडमिंटन से। देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन काफ़ी पूछे जाएंगे तो इनको आप जरूर याद के छोड़ी मत। नेक्स्ट है हाउ लॉन्ग इज़ द नेशनल एंथम सॉन्ग, जो नेशनल एंथम सॉन्ग है वो कितनी देर का है, अप्रोक्सीमेट कितना टाइम लगता है उसमें, तो अप्रोक्सीमेट 52 सेकंड का है। कितने का है, 52 सेकंड, तो आप इसको याद कर लीजिए कितने का है, 52 सेकंड का अप्रोक्सीमेट। शुक्रिया, सेकंड लिखना भूल गया, तो आप याद कर लीजिए। नेक्स्ट है विच ब्लड ग्रुप इज यूनिवर्सल एक्सेप्टर, जो यूनिवर्सल एक्सेप्टर ग्रुप है वो कौन सा है, मतलब इनमें देखो विच ब्लड ग्रुप इज, ध्यान से पढ़ना दोस्तों उसको, विच ब्लड ग्रुप इज यूनिवर्सल एक्सेप्टर, जो एक्सेप्टर होता है यूनिवर्सल एक्सेप्टर वो कौन सा ग्रुप है, जो कि किसी भी ग्रुप का ब्लड एक्सेप्ट कर सकता है, वो है ए बी। कौन सा है, ए बी, जो जिसका ए बी ग्रुप होता है ब्लड का, वो किसी का भी ब्लड एक्सेप्ट कर सकता है। और सेकेंड क्वेश्चन देखिए इसका, नेक्स्ट विच ब्लड ग्रुप इज यूनिवर्सल डोनर, तो यूनिवर्सल डोनर और एक्सेप्टर में कन्फ्यूज मत होइए, एक्सेप्टर तो ए बी होता है और डोनर ओ होता है, जो कि किसी को भी अपना ब्लड दे सकता है। तो ओ क्या होता है, ओ जो ओ पॉजिटिव होता है वो किसी को भी अपना ब्लड दे सकता है, और जो ए बी है वो किसी का भी ब्लड ले सकता है, तो ए बी एक्सेप्टर हो गया और ओ डोनर हो गया। दोनों क्वेश्चन को मैंने साथ में रखा है ताकि आप कन्फ्यूज ना हो, तो इसलिए मैंने दोनों को साथ में रखा हुआ था, कन्फ्यूज ना हो किसी को भी, एक्सेप्टर ए बी और डोनर ओ। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द 49th पैरेलल लाइन, जो 49th पैरेलल लाइन है वो क्या है, वो है बॉर्डर बिटवीन यूएसए एंड कनाडा, जो यूएसए अमेरिका और कनाडा के बीच में जो बॉर्डर है उसको क्या कहा जाता है, 49th पैरेलल लाइन। क्या कहा था, 49th पैरेलल लाइन। जैसे कि आपको पता होगा जितने भी बॉर्डर्स बने हुए हैं सबका कुछ ना कुछ नाम दिया हुआ है, तो ऐसे ही इनका भी नाम है जो यूएसए और कनाडा के बीच में पड़ता है, इसका नाम है 49th पैरेलल लाइन। नेक्स्ट है सनी डेज इज ए बुक रिटन बाय, सनी डेज बुक, एक सनी डेज बुक लिखी गई वो किसके द्वारा लिखी गई है, तो वो लिखी गई सुनील गावस्कर के द्वारा। किसके द्वारा, सुनील गावस्कर के द्वारा। नेक्स्ट व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ आई टी सी जेड, तो इसकी फुल फॉर्म क्या है आई टी सी जेड की, इसकी फुल फॉर्म है इंट्रोपिकल कन्वर्जेंस जोन। क्या है, इंट्रोपिकल कन्वर्जेंस जोन, तो इसको याद कर लीजिए, फुल फॉर्म भी आप याद कर लीजिए। फुल फॉर्म की आपको वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं इसकी वीडियो प्रोवाइड करा दूंगा आपको। नेक्स्ट है फुल फॉर्म ऑफ एफटीपी की फुल फॉर्म क्या होती है, उसको कंप्यूटर में यूज की जाती है फाइल ट्रांसफर करने के लिए, इसका नाम है इसका फुल फॉर्म होती है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। क्या होती है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये कहाँ पर यूज किया जाता है, ये सिस्टम कंप्यूटर में यूज किया जाता है फाइल को ट्रांसफर करने के लिए। नेक्स्ट जो पीसी है लोकल पीसी से सर्वर तक पहुँचाने के लिए, या फिर सर्वर से अपने लोकल पीसी में लाने के लिए यूज किया जाता है।
नेक्स्ट है कैपिटल ऑफ नागालैंड, नागालैंड की कैपिटल क्या है, नागालैंड की कैपिटल क्या है, कोहिमा, क्या है, कोहिमा। तो इंडिया की जितनी भी स्टेट्स है उनकी कैपिटल तो आप छोड़िए मत, कोई भी मत छोड़िए, सारी याद कर लीजिए क्योंकि कोई भी पूछ सकता है। सॉरी। नेक्स्ट है जलीकट्टू इज सेलिब्रेटेड ऑन विच फेस्टिवल, जो जलीकट्टू है वो किस फेस्टिवल पर सेलिब्रेट किया जाता है, तो वो क्या था पोंगल में, किस पे, पोंगल में। तो जलीकट्टू क्या है सेलिब्रेट किया था कब, पोंगल फेस्टिवल पे। नेक्स्ट है व्हेन स्टार्टेड कॉमनवेल्थ गेम्स, जो सॉरी जो कॉमनवेल्थ गेम्स स्टार्ट हुए थे वो कब हुए थे, वो होते 1930 में, कब हुए थे 1930 में कॉमनवेल्थ गेम्स स्टार्ट हुए थे। नेक्स्ट है हु इज़ द ऑथर ऑफ बुक द विंडफॉल, जो विंडफॉल बुक है वो किस, उसके ऑथर कौन है, वो है दीक्षा बासु, कौन है दीक्षा बासु, जो कि विंडफॉल बुक के, द विंडफॉल बुक के ऑथर है। नेक्स्ट है नेशनल गेम ऑफ यूएसए, जो यूएसए उसके नेशनल गेम कौन से हैं, वो है बेसबॉल, कौन से, बेसबॉल, यूएसए के नेशनल गेम्स। नेक्स्ट है नेक्स्ट है कालाधन प्रोजेक्ट रिलेटेड टू विच कंट्री, जो कालाधन प्रोजेक्ट है वो किस कंट्री से रिलेट करता है, तो कौन सा ये कालाधन प्रोजेक्ट जो है किससे रिलेट करता है, सॉरी हाँ किस कंट्री से रिलेट करता है, तो ये करता है म्यांमार से, किससे, म्यांमार से रिलेट करता है कालाधन प्रोजेक्ट। दोस्तों ये 20 क्वेश्चन थे, काफ़ी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, सारे पढ़िए, आपको अगर याद नहीं होते तो वीडियो एक बार देखिए, दो बार देखिए, बट वीडियो को पूरा जरूर देखिए और लाइक ज़रूर करिए, और जितने भी पार्ट मैंने अब तक के डाले हुए हैं बाकी आप सारे देखना चाहते हो देख सकते हैं, प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है नीचे, और हमारे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, उसको ज्वाइन कर सकते हैं आप सारे पार्ट की PDF लेने के लिए। अदरवाइज हमारे stlearning.in ब्लॉग पर जा सकते हैं, वहाँ पर आपको सारी PDF जितने भी पार्ट हम अब तक अपलोड कर चुके हैं फिर जो अपलोड करने वाले हैं उसके सारे PDF के लिंक आपको और वीडियोज़ के लिंक मिल जाएंगे। और RRB NTPC की तैयारी कर रहे हैं तो आपको वहाँ पे उसके भी काफ़ी 10 पार्ट डाले हुए हैं मैंने, वो भी मिल जाएंगे आपको, और उसकी वीडियोज़ के लिंक भी मिल जाएंगे। और अगर आप करंट अफेयर के क्वेश्चन चाहते हैं तो करंट अफेयर के भी मैंने वहाँ पे पार्ट डाले हुए हैं, वहाँ भी आपको मिल जाएंगे सारे PDF के लिंक भी और वीडियोज़ के लिंक भी मिल जाएंगे stlearning.in ब्लॉग पर। तो दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें, सब्सक्राइब करने के बाद उसके बराबर में एक बेल का बटन होगा उसको प्रेस जरूर कर दें, इसको प्रेस करने से क्या हमारी जो आने वाली वीडियोज़ है उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहेगी। और हाँ दोस्तों अगर आपके पास नोटिफिकेशन नहीं पहुँचती है तो आप चैनल को अनसब्सक्राइब करें और फिर दोबारा उसको सब्सक्राइब कर लें, और जो पहले उसको ऑन कर दें ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। तो दोस्तों देखते रहिए, सीखते रहिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग।